नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग। मैं हूँ आपके साथ महक। देखा जाए तो पिता का कोई भी परिभाषा नहीं है और आज फादर्स डे यानी पिता दिवस। तो आज हम ये जानने पहुँचे हैं झारखंड पुलिस जवानों के बीच कि एक पिता का संघर्ष क्या होता है। तो आइए जानते हैं और इनसे ही बात करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे फादर्स डे के बारे में? आप, पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत ही अटूट होता है, बहुत ही बिजोड़ होता है, लेकिन हम लोग अपने ड्यूटी के कारण सारे ऐसे रिश्तेदारी को छोड़ करके हम लोग वर्दी को आगे रखते हैं और ड्यूटी करते हैं। ना अपने पुत्र से मिल पाते हैं, ना अपने फादर से मिल पाते हैं, और जबकि ये जीवन जो है सभी के लिए है, लेकिन हम लोग नहीं मिल पाते हैं अपना ऐसे ड्यूटी का निर्वहन करते हुए और अपने बाल बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। देखा जाए तो पिता के लिए कोई भी परिभाषा नहीं है, लेकिन आपकी नज़र में पिता क्या है? पिता एक पेड़ के जैसा है, वो सबको छांव देता है लेकिन खुद वो धूप में तपता है। और पिता एक ऐसा है कि पिता के ही द्वारा ही अपने बाल बच्चा को ऐसे पढ़ाया लिखाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग अपने बाल बच्चे से मिल नहीं पाते हैं और ड्यूटी को ही रखते हैं, ध्यान में आगे रखते हैं। आपके पिता साथ में रहते हैं या फिर? मेरे पिता है सो साथ में रहते हैं, लेकिन उनसे भी हम लोग नहीं मिल पाते हैं ड्यूटी के कारण। और आप अपने बच्चों को कितना समय दे पाते हैं इस बीच? अपने बच्चों के साथ तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम लोग ड्यूटी पर अधिकतर ज़्यादा रहते हैं। जब कंप्लेन आता होगा, बच्चे लोग बोलते हैं कि पापा है सो हमारे स्कूल में नहीं आते हैं, हमारे बर्थडे में नहीं आते हैं, हमारे त्यौहार में नहीं आते हैं, लेकिन ड्यूटी करते हुए उनका भी ख्याल रखना पड़ता है और सबको खुश करना पड़ता है। फादर्स डे एक पिता के लिए होता है और हम अपने वर्दी के लिए या अपने ड्यूटी को आगे रखते हुए अपने परिवार को पीछे छोड़ के हम अपने ड्यूटी को पहले अहमियत देते हैं और अपने बच्चों को छोड़ के कहीं दूर में ड्यूटी करते हैं और बच्चों को याद करते हैं कि हाँ बच्चे हैं हमारे घर में। ना हम अपने पिता से मिल पाते हैं फादर्स डे में और ना हमारे बच्चे अपने पिता से मिल पाते हैं कि हम उनके पिता हैं। तो ड्यूटी को अहमियत रखते हुए हम उनको दूर में रखते हैं और पहले ड्यूटियों को अहमियत देते हैं। आपकी नज़र में एक पिता का संघर्ष क्या होता है? देखिए, पिता का संघर्ष बहुत होता है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को हर एक तरह की सुविधाएं दे सके, उनको अपने खुद से अपने आप को कष्ट दे करके, तकलीफ दे करके अपने बच्चों को सही परवरिश, सही तामील या सही शिक्षा दें। वो हम अपने आप को रखते हैं कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा, सही परवरिश दे सकें। मुझे कोई कष्ट हो उससे कोई मायने नहीं रखता है। जैसा कि आज फादर्स डे है तो आपके बच्चों का फ़ोन आया आपके पास? हाँ, फ़ोन आया उन लोगों का, वो लोग फादर्स डे के लिए विश भी किए मुझे, मैंने भी किया अपने फादर को, लेकिन है कि हम लोग दूर रहते हैं तो बस फ़ोन पे ही काम चलता है कि हाँ बच्चों को विश कर लिए, पापा को अपने विश किए बस। एक पिता का संघर्ष क्या होता है? बहुत संघर्ष होता है मैडम, पूरी 24 घंटा ड्यूटी पर लगे रहते हैं। आज सुबह 7 बजे बेटा का फ़ोन आया कि पापा आज मेरा कुछ आपको उपहार देना है, लेकिन हम वहाँ पर मौजूद नहीं है और आँखों में आंसू आ चुका था, लेकिन मैंने उनको संभाला और बताया कि अभी ड्यूटी लगी हुई है रांची में और हम नहीं आ पाएंगे। आप अपने बच्चों को कितना समय दे पाते हैं? बच्चे को समय तो अभी नहीं दे पा रहे मैडम, लेकिन कोशिश करते हैं एक सप्ताह के अंदर फिर ये नेचुरल हो जाएगा रांची, तो फिर हम लोग समय दे पाएंगे। एक पिता अपने बच्चों को कितना संघर्ष करके पालता है और पोसता है? बहुत संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष करने के बाद ही जो है एक पिता जो है अपना बच्चा को आगे बढ़ाता है। उसके लिए वो कितना भी बहुत सारा कठिनाइयों को झेलते हुए अपने कम खाता है, अपने कम किसी तरह से रहता है, कपड़ा भी ठीक से नहीं पहनता है, लेकिन अपने बच्चों को चाहता है कि वो अच्छा से अच्छा कपड़ा पहने, स्कूल भेजें, और इस तरह से बहुत मेहनत करके वो अपने बच्चे को पढ़ाता है। इस बीच आप अपने बच्चों को कितना समय दे पाते हैं? इस बीच तो अभी ये जब से ड्यूटी पड़ा है तब से यहाँ सुबह में 9 बजे से रात के 9 बजे तक ड्यूटी है, तो हम लोग तो बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। तो जैसा देखा आपने झारखंड पुलिस जवानों से हमने बात किया, जिस तरह से इन्हें पिता के बारे में परिभाषा दी और जिस तरह से इन्हें बताया कि पिता का संघर्ष बहुत होता है, और इन्होंने ये भी कहा कि सुबह में इनके बच्चों ने इन्हें फ़ोन करके फादर्स डे विश भी किया। तो ऐसे तमाम खबर के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल पर न्यूज़ विंग टीवी पर। धन्यवाद।